नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एमएसपी आंदोलन के संबंध में किसान नेता गुरनाम सिंह चडुन्नी के नेतृत्व में गांव चडुन्नी में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चडुन्नी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों पर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे आंसू गैस के गोले और गोलियों का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब और देश के सभी किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते 16 फरवरी 2024 को प्रातः 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक हरियाणा में सभी टोल फ्री रखे जाएंगे। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से कहा कि यह प्रदर्शन दंगा और तोड़फोड़ रहित रहेगा, किसी भी स्थिति में पुलिस से टकराव नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को संगठन से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के क्रम में हरियाणा में 17 फरवरी 2024 को सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान आंदोलन के संबंध में 18 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर सभी संगठनों की विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में सभी संगठनों के प्रधान, सरपंच, खाद मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, आशा वर्कर, लंगर कमेटी कर्मचारी और व्यापारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों का हरियाणा में प्रवेश होने पर भरपूर सहयोग किया जाएगा। और क्या कुछ बोले गुरनाम सिंह चडुन्नी, आप खुद ही सुन लीजिए। कुरुक्षेत्र से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सभी साथी जिन्हें फोन चलाना है वो चला सकता है, आप चला सकता है, अलाउड है आपको। पहले बात कर साथियों, आप की भावना जो है वो देश के किसान सड़क पर है, लड़ रहा है। अगर कोई कमी रही होगी तो लीडरों की हो सकती है, जनता की तो कमी नहीं है। किसानों की, मजदूरों की कमी नहीं है और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कितने लोग प्लास्टिक की गोलियों से जख्मी हो चुके हैं, कई हजार आंसू गैस के गोले दाग चुके हैं, जो मर गए हैं वो किसानों की, मजदूरों की, वो जायज है, नजायज नहीं है। देश का बजट, देश का पैसा खाली पूंजीपतियों के लिए नहीं है, भारत देश सबका है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ में खड़ेंगे, पूरी तरह से किसानों के साथ में खड़ेंगे और इस आंदोलन में शांतिपूर्वक भागीदारी होगी। शांतिपूर्वक भागीदारी होगी कि बॉर्डर के परले पासे हम जाए तो कोई दुख नहीं बढ़ता जाने का और फिर वहां हम भी जाके वहां पे रुक जाएंगे, वहां पे जाने का कोई दुख नहीं बढ़ता। लेकिन आंदोलन हरियाणा में, अभी पंजाब में है, हरियाणा में आंदोलन नहीं उठा है। हरियाणा के हर घर तक, हर गांव तक आंदोलन जाना चाहिए। इसलिए आज हम दो प्रोग्राम दे रहे हैं। एक प्रोग्राम कल, पहले तो ये बताइए कि आंदोलनों में तकलीफें आती हैं, घर से निकलना पड़ता है। आज हम घोषणा तो कर दे और कल आप घर से निकलोगे, आप अपने अपने सारे गांव को निकालोगे, मैं एक बार आप खड़े करके आश्वासन दो निकाल लेंगे जी, हमारे गांव वाले भी दे दियो। कल 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के टोल बंद रहेंगे। मतलब बंद का मतलब जाम नहीं लगाना, लेकिन टोल नहीं कटने देंगे।
टाइम क्या जोड़ फ्री 3 घंटे 12 बजे से और 3 बजे तक। और उनके साथ उसमें हम ये भी कहेंगे कि हमारा संगठन जहां जहां है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कुछ पंजाब में है, हम सारे मीडिया के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां जहां हमारा संगठन है वो वहां वहां 3 घंटे का टोल वहां भी बंद करें दूसरे प्रदेशों में। हरियाणा में मैं बेनती करूंगा कि जितने भी संगठन हैं, चाहे वो मजदूरों का है, वो टोल कमेटिया है, वो किसानों का है, वो एबीसी, हमारे से कोई कटने वाला संगठन भी है, हमारे से कोई हमें बुरा बोलने वाला संगठन भी है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की जनता के लिए, वो सारे संगठन कल टोल पे बंद करें। अपनी सारी चीज को भुला दें, हमारी खपा वाले भाई भी। मैं अपनी तरफ से बेनती करता हूं, अपनी तरफ से बेनती करता हूं कि हमारे से कोई नाराज हो, कोई बुरा भला कहता हो, वो बाद में देख लेंगे, निपट लेंगे। अभी हम जंग के मैदान में हैं, अभी हमें अपने भाईचारे के साथ में खड़ना है। पंजाब भी हमारा बड़ा भाई है, वो अकेले ना पीटे, वो अकेले उनके मुसीबत ना हो। हमें इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से लेना है, किसी के गुलाम बन के नहीं, अपनी अंतरात्मा से सही तरीके से। तो 3 घंटे का 12 बजे से 3 बजे तक कल टोल फ्री रहेंगे। मंजूर है सबको? मंजूर है जी। कहने कोई हमारे सरपंच एसोसिएशन के भाई भी बैठे हैं, आपको अपना मैसेज देना आपकी जिम्मेवारी है। सारी सरपंच एसोसिएशन जो है वो भी कल मैदान में नजर आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरा एक अनुरोध ये भी है कि हमारा कोई आदमी दंगा नहीं करेगा, हमारा कोई आदमी तोड़फोड़ नहीं करेगा, हमारा कोई आदमी पुलिस से नहीं टकराएगा। ये हमारी बहुत सख्ती राय है। जो पुलिस से टकराएगा, जो तोड़फोड़ करेगा, जो दंगा करेगा, कहीं आगे नहीं करेगा, वो हमारा आदमी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं सरकार का एजेंट होगा या कहीं ना कहीं किसान कम्युनिटी का, मजदूर कम्युनिटी का दुश्मन होगा, और उसको पकड़ के पूछने वाले करते हैं। ठीक है, हमें शांतिपूर्वक करना है। दूसरा हमारा प्रोग्राम उसके अगले दिन का प्रोग्राम है कि हर तहसील के अंदर, तहसील छोटे शहर में होती है जैसी हमारी शाहबाद में है, हर तहसील के अंदर हमने ट्रैक्टर परेड करनी है, हर तहसील के अंदर हमने ट्रैक्टरों से प्रदर्शन करना है, और कोई ट्रैक्टर गांव में ना खड़ा रहे, सारे ट्रैक्टर हमारे सड़क पे नजर आने चाहिए। और उसमें भी मैं ये अपील करूंगा कि उसके अंदर भी चाहे कोई टोल कमेटियां हैं, चाहे कोई लंगर कमेटियां हैं, चाहे हमारी पंचायत एसोसिएशन है, चाहे हमारे कोई और भाई है, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो इस किसान मजदूर को, ड्रीम को बचाना चाहते हैं, जो इस देश को कारपोरेट को बिकने से बचाना चाहते हैं, वो सारे संगठन उस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।